eating only rainbow colored food for 24 hours. Abracadabra. Dekha, magic! Hi guys, good morning. यार क्या कभी रेनबो को देखकर रियल लाइफ में या फिर बुक्स में आपका मन किया कि काश हम ये सातों कलर ऐसे खा जाते, कितना प्यारा लगता है ना रेनबो। मेरा तो बहुत करता था, इसीलिए आज मैं कर रही हूँ ईटिंग ओनली रेनबो कलर्ड फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज। मेरी ड्रेस एकदम स्किटल्स के जैसी नहीं लग रही है? और मेरे नेल्स जेम्स के जैसे? खा जाओ इन्हीं को। यार कपड़े और नेल पेंट खा के पेट तो नहीं भरने वाला है ना। चलिए चल के शॉपिंग करके आते हैं। पता है ना मुंबई में लॉकडाउन है, 11 बजे के पहले सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। सो दिस इज गोना बी अ शॉपिंग मैराथन फॉर मी। लेट्स गो। यार लॉकडाउन में इस चैलेंज के लिए मैंने इतना भाग भाग के सामान इकट्ठा किया, इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक तो बनता है ना, सो प्लीज लाइक जरूर कर देना। भाई भाग भाग के कलरफुल सामान ढूंढने में वो सीने छूट गए बाय गॉड, लेकिन अगेन मैंने अपना 11 बजे का टारगेट आज भी हिट कर लिया है। बहुत सारी कलरफुल चीजें तो मैं उठा के ले आई हूँ, पर उनसे मैं बनाऊंगी क्या इसका मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, चैलेंज है, धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे। देखिए देखिए भाई साहब ने मेरे बैग का मुआयना करना शुरू कर दिया है। शॉपिंग करके मैं इतना थक गई हूँ ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसीलिए नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि अपने इस पिटारे में से मैं खाऊं इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट। देखो सिंबू भी एकदम रेडी है मेरा इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट खाने के लिए। सो मैं खाने वाली हूँ ये रेनबो कलर के फ्रूट लूप्स और स्किटल्स। बहुत सारे बच्चों का सपना होता होगा ऐसा ब्रेकफास्ट खाने का, है ना? मेरा भी था पर कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये ब्रेकफास्ट बहुत ही महंगा है। आपको पता है 950 रुपए का डब्बा है ये फ्रूट लूप्स का। What? और ये इतना छोटा सा स्किटल्स का पैकेट 100 रुपए के ऊपर का है। एनीवे रेनबो चैलेंज करना है तो मजे भी करेंगे थोड़े से, है ना? खोले इनको और नाश्ता करते हैं। अच्छा तुम वो मैनर्स नहीं है क्या, चपड़ चपड़ करके आवाज निकाल के खाते हो? मम्मा को भी नहीं है मैनर्स। मजा आ रही है? आई एम रियली एंजॉयिंग माई ब्रेकफास्ट टुडे। यार बचपन की ख्वाहिश थी आज पूरी हो रही है। आप सब में से किस किस को फ्रूट लूप्स और स्किटल्स पसंद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अभी ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और मिलेंगे सीधा लंच टाइम पे। तू ही सतरंगी रे। अरे भाई अपने लंच के लिए गाना गा रही हूँ मैं, इतने सारे कलर्स आप लोगों को दिख रहे हैं मेरी प्लेट में। आप लोगों को विग्योर पता है ना रेनबो के सारे कलर्स, उस हिसाब से मैंने यहाँ सारी चीजें सेट की हैं। वायलेट इंडिगो और ब्लू में आप ये समझ लो, ये कंद है, ये कांदा है और ये पर्पल कैबेज है। जी से ग्रीन्स है मेरे पास, वाई येलो मेरे पास ये येलो बेल पेपर और कॉर्न है। ऑरेंज यहाँ पे मेरे पास कैरेट है और आर से मेरे पास है ये रेड चेरी टमाटोज। वाओ प्लस प्लस देखो मैंने विबग्योर के हिसाब से अपनी सारी टॉपिंग्स भी यहाँ पर लगाई हैं। ये रहा मेरा वायलेट इंडिगो ब्लू चीज, ग्रीन कलर की चटनी, येलो मस्टर्ड, ऑरेंज सिराचा एंड रेड टोमेटो केचप, इससे बनेगा मेरा सैंडविच।
कितना अच्छा लग रहा है ना। By the way guys, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी प्लेट में सारे रेनबो कलर्स हैं, that means you are having an extremely healthy diet. So मेरा सैंडविच काफी हेल्दी है। अब ये इतना बड़ा पीस मैं खाऊंगी ऐसे, वो फिगर आउट करना है। नाइस। हेल्दी चीजें नहीं खाता पता आप लोगों को। लंच तो बढ़िया बन गया है। अब मिलेंगे चाय के टाइम पे। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा चाय का टाइम हो गया है। अब रेनबो कलर की चाय कैसे पीऊं? लेकिन नॉर्मल चाय को रेनबो कलर के ग्लासेस में डाल के शॉट्स से लगा सकती हूँ, है ना यार। आप लोगों को पता ही है ना, चाय के टाइम पे थोड़ी बहुत लिबर्टी लेना बनता है। और साथ में, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा चीटिंग कर रही हूँ, मैंने मंगाई है ये रेनबो पेस्ट्री। अब इसमें वाकई में रेनबो कलर्स है कि नहीं, खोल के देखते हैं क्या आया है। आ गया, देखा देखा, केक देख के कैसे इसकी लाल टपक रही है। चलो चाय का कार्यक्रम शुरू करते हैं। Let's eat this. टेस्टी था ना। अभी तक का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि डिनर में रेनबो कलर का क्या खाया जाए। कुछ आइडिया दे सकते हो? बताओ बताओ, कैसे बताओगे? मुझे ही सोचना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे अब डिनर टाइम पे। सो गाइस, इट्स डिनर टाइम। मैं ना बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि डिनर में रेनबो कलर्ड फूड बनाने के लिए मैं वो काम करने जा रही हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। मैं यूज करने वाली हूँ फूड कलर फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम इसे ट्राई करेंगे इस स्पेगेटी के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली है। तो चलिए रेनबो कलर की स्पेगेटी बनाते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद रेड। मिक्स करते हैं इसको। मूविंग ऑन टू ग्रीन, ब्लू, आई हैव येलो। वाओ, जो चार कलर्स मेरे पास थे वो तो बन गए हैं। अब मैं सोच रही हूं कि रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बनाऊं क्या। ऑब्वियसली थ्योरी में तो ये कलर्स वर्क करते हैं, साथ में यहां पे करेंगे कि नहीं चेक कर लेते हैं। हैं, ऑरेंज तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ रेड से अलग कलर है। क्या लगता है, ये ऑरेंज बना है कि नहीं बना है? No. मेरे ख्याल से बन गया है। अपनी इस रेनबो स्पेगेटी के ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग बना के डालती हूँ और फिर इसको मिक्सिंग करेंगे। हा? इतने सारे कलर शिक्षक के मुंह में जा रहे हैं। इट्स सो फनी। अच्छा अच्छा, जो चीजें मैं आज सुबह से खा रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं ऐसी चीजें कभी खाऊंगी। बट मैं हर चैलेंज में यही बोलती हूँ, फिर नई नई चीजें ट्राई करती हूँ, उसमें तो मजा आता है ना। गाइज, इट्स डिजर्ट टाइम, और मैं आप लोगों को एक मैजिक ट्रिक दिखाने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? ये क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? प्लेन वाइट योगर्ट। साइंस में पढ़ा है कि प्रिज्म लगाने के बाद रेनबो बनता है, तो मैं इस वाइट योगर्ट को चेंज करने वाली हूँ कलर्ड योगर्ट में। देखा, मैजिक। ताली बजाओ मेरे लिए, ताली बजाओ ताली। आई हैव वायलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, पूरा विब ग्योर है यहाँ पर। तो चलिए सिंबू जी भी तैयार है, इस चैलेंज को कुछ मीठे पे एंड किया जाए, क्या बोलते हो? यम्मी, ये ले। खाने दो, बच जाएगा। ओके, हो गया खत्म। चल ठीक है, एक फ्लेवर और दे देती हूँ। ये ले मैंगो, तेरा फेवरेट। फ्रेंड्स, मुझे तो ये रेनबो चैलेंज करके बहुत मजा आया। आपको मेरा ये वीडियो देख के अगर मजा आया, आपको पता है ना, यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गर्मास गुड लाइफ। वी लव यू ऑल। ओके, टेक केयर, टाटा।